मैं पूज्य माता जी के संगस्था चुल्ली का 105 अर्हत मती माता जी से आग्रह करता हूँ अपनी जिज्ञासा पूज्य माता जी के समक्ष रखेंगे। माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी जो हम टीवी में अभिषेक देखते हैं, शांति धारा देखते हैं, और जो अपने गांव के मंदिर में देखते हैं शांति धारा उसमें, और अतिशय क्षेत्र जो टीवी में देखते हैं, टीवी में देखने में क्या अंतर है? नाम है निर्मला जैन सलुम्बर। बहुत अच्छा प्रश्न है। टीवी में शांति धारा और मंदिर में शांति धारा, भावों का अंतर है। किसका अंतर है? भावों का अंतर है। आप टीवी में यदि भाव से देख रही हैं और पूर्ण पूर्ण भावों के साथ देख रही हैं तो आपको फल भी पूरा मिलेगा, और यदि मंदिर में भी रहकर और भाव से नहीं देख रही हैं तो उतना फल मिलने वाला नहीं है। अब वर्तमान में जो भगवान मुनि सुब्रत नाथ भूगर्भ से प्रकटित जहाजपुर वाले भगवान का अभिषेक जो 4 साल से टीवी में आ रहा है, मुझे तो ऐसे ऐसे रिजल्ट देखने मिले हैं, ऐसे ऐसे लोग जो आकर के बताते हैं, तो मैं नहीं सोच सकती कि टीवी में शांति धारा आने पर ऐसा भी हो सकता है। एक वर्णनगर के पास में कोई गांव है, कहाँ या वर्णनगर के परिवार आया था, पति पत्नी थे, उन्होंने मुझे बताया, वो मैं आपको बताती हूँ कि एक परिवार में उनकी पत्नी थी, तो रात को करीब वो 50-55 साल की थी, रात को उनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई, और इतनी तबीयत ख़राब हुई कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उन्हें यदि 1 नंबर 2 नंबर भी जाना है तो उठा के ले जाया जा रहा था, इतनी तबीयत ख़राब हुई। रात को डॉक्टर के पास नहीं ले गए, बोले सुबह देखेंगे, सुबह ले जाएंगे। सुबह वो पूरा परिवार जो था भगवान का अभिषेक रोज़ देखता था, तो वहीं कुर्सी डाल के उनको बिठा दिया गया, और वो अभिषेक देखते देखते एकदम जैसे ही भगवान के चरण दिखे, कुर्सी से उठ के दौड़ के उन्होंने जाके चरण छुए, और रात को इतनी तबीयत खराब कि चल नहीं पा रही, और सुबह जैसे ही चरण छुए वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिना दवाई के ठीक हो गई। और फिर वो यहाँ आई और यहाँ आकर उन्होंने बताया और यहाँ दान भी दिया कि भाई जो पैसा हमें दवाई में देना था भगवान ने हमें ठीक किया है तो हम यहीं करेंगे उसको। तो ये अतिशय टीवी का है, और एक नहीं, अभी तो एक बता रहे थे कि बोले हम तो हमारे यहाँ कोई बीमार है तो जब अभिषेक आता है सुबह 7 बजे तो टीवी के सामने हम कटोरी में पानी रख देते, श्रद्धा देखिए आप, हम टीवी में पानी कटोरी में पानी रख देते हैं और जो हमारे घर में बीमार है वो उस अभिषेक का पानी फिर उन्हें पिलाते हैं। अब श्रद्धा देखिए, अब ठीक नहीं होंगे तो क्या होंगे, इतनी श्रद्धा से जो अभिषेक देखा जा रहा है, लाखों लोग हैं जो भगवान का अभिषेक देखने के बाद ही पानी पीते हैं, लाखों की संख्या में भगवान ऐसे भक्त हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे भक्त जहाँ टीवी में अभिषेक देखेंगे तो फल क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बहुत मिलेगा, क्योंकि आपके भाव आत्मा से जुड़े हुए हैं और आत्मा से आप अभिषेक देखते हैं, आँखों से नहीं देखते, आत्मा से देखते हैं, और आत्मा से देखा हुआ और किया हुआ काम पूरा फल देता है। ऑनलाइन है, फोन के माध्यम से आई है सुनील जैन अहमदाबाद से, उनके पूरे परिवार की ओर से पूज्य माता जी के श्री चरणों में त्रिवार नमो वंदामी। माता जी, उनकी जिज्ञासा है कि किस कर्म के उदय से दुख के समय में अपने परिवार वाले जो स्नेही जन है अपने ही पत्नी और अपने ही बच्चे साथ छोड़ देते हैं? कुछ तो कर्म का उदय है और कुछ हमारा स्वभाव है, कुछ तो कर्म का उदय है और कुछ हमारा स्वभाव है। यदि कोई शांति से रहे, मीठा बोले, सेवा के भाव रखे, सहयोग के भाव रखे, समर्पण से रहे, गुस्सा ना करे, तो एक जो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा होता है और कुछ बोल नहीं पाता उसकी लोग ज़िंदगी पूरी कर देते हैं। फिर यदि कोई घर में शांति से रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर यदि ऐसा हुआ है तो कर्म का उदय तो है ही, बिना कर्म के उदय में हो ही नहीं सकता है। निश्चित ही पिछले जन्म में कोई या इसी जन्म में किसी को हमने किसी के परिवार से अलग किया होगा, किसी को हमने किसी के, और ये बड़े साधारण सी बात है,
सास ने कोई बात पड़ोसन को बताई, पड़ोसन ने उसकी बहू को कह दिया, दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों अलग हो गई। अभी महसूस नहीं हुआ, कर्म तो बंद हो गया। अब फल ऐसे मिलता है कि किसी को किसी से तोड़ने का फल जो दूसरों को दिया जा रहा है वो खुद को भी मिलता है। तो जरूर किसी के परिवार को तुमने किसी से अलग किया होगा, उसका फल है। और अब आप प्रायश्चित भी करें, पश्चाताप भी करें, अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाएं, तो ये ठीक भी हो सकता है। ये हमेशा रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जैन धर्म में क्षमा नाम की चीज भी है। यदि कोई गलती मान ले और अपने आप को सुधार ले तो क्षमा भी हो जाती है। और जब कर्म शांत होता है तो सामने वाले अपने आप ही आके मिलने लगेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल शांति से रहें। और अपने जिद आपको यदि परिवार ने छोड़ दिया है, अब आप अकेले हैं, कैसे हैं, अकेले हैं। वैसे परिवार के साथ रहो तो धर्म कम हो पाता है, अब अकेले हो गए ना, धर्म करें, खूब धर्म करें, ताकि सारा कर्म भी कट जाए और आपका एकांत भी अच्छे से निकल जाए। हॉली जी, अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती नीलू जैन जहाजपुर। वंदनामी माता जी, मेरा प्रश्न है कि अतिशय क्षेत्रों पर प्रतिमा विराजमान करने का क्या महत्व है? महत्व तो बहुत है और लोगों को पता भी है, तभी तो विराजमान की है ना यहाँ पर है। हाँ देखो, आपके गांव में जो मंदिर है उसमें कितने लोग दर्शन करने जाते हैं? जितने गांव के होते हैं, जितने लोग गांव के होते हैं। कितने लोग पूजा करते हैं? जितने गांव के हैं। कितने लोग अभिषेक करते हैं? गांव में जितने हैं उसमें से 10% करते हैं, 90% नहीं करते हैं। लेकिन अतिशय क्षेत्र में आपने जो प्रतिमा विराजमान करी है उसके दर्शन करने कितने लोग आएंगे? लाखों और करोड़ों की संख्या हो सकती है। अभिषेक कितने लोग करेंगे वो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। पूजा कितने करेंगे उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो प्रतिमा विराजमान करता है तो जितने लोग उस प्रतिमा के दर्शन करके विशुद्धि बढ़ाते हैं तो उनके उस पुण्य का छठवां हिस्सा प्रतिमा विराजमान करने वाले के पास पहुंचता है। तो अतिशय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलता है दर्शन का, तो वो दर्शन का जितना ज़्यादा लाभ मिलेगा उतना उनके खाते में छठवां हिस्सा पहुंच जाएगा। तो अतिशय क्षेत्र में प्रतिमा विराजमान करने का अपने गांव के मंदिर के से 50 गुना तो मान ही लो, इतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी, मैं श्रीमती संतोष जैन इंदौर से, मेरा प्रश्न है माता जी कि जो सोधर्म इंद्र की शची इंद्राणी रहती है तो ऐसा उसका कौन सा विशेष पुण्य रहता है जो एक भवतारी होती है? उसने पिछले जन्म में तपस्या की, त्याग किया और पुण्य, और ऐसा तपस्या, ऐसी ऐसा त्याग किया है कि जो मोक्ष जाने में सहायक होता है। बस किसी कारण बस उसका थोड़ा सा कम रह गया होगा तो वो इंद्राणी बनी है, लेकिन इतना पुण्य तो है कि वो अगले भाव में मोक्ष जाएगी और उसका ये पुण्य तीर्थंकर के पंच कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि के कारण से उसे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न महावीर जी से पधारे निखिल जी जैन, जो महावीर जी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका प्रश्न है। माता जी अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं। माता जी के चरणों में वंदामी। माता जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं या जिनबिंब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, उसमें सिर्फ भगवान आदिनाथ के ही जीवन के चित्रण क्यों किया जाता है? क्या और किसी तीर्थंकरों का या मूल नायक प्रतिमा जिनकी विराजमान हो रही है, क्या उनका, उनके भी जीवन का चित्रण किया जाना चाहिए? ऐसा है कि पहले आदिनाथ भगवान का ही देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में अब लोगों में जागृति बहुत आई है और वो जो है अब कहीं पर नैमिनाथ जी का भी देखा गया है, कहीं पर पारसनाथ जी का भी देखा गया है, तो अब होने लगे हैं, कर सकते हैं, कोई देव बाधा नहीं है। और अपने यहाँ पर भगवान मुनि सुब्रत नाथ का पंच कल्याणक होने जा रहा है। आपकी, आपने जो पूछा है तो उसके हिसाब से यहाँ पर भगवान, मेरे ख्याल से अभी तक भारत में कहीं भी मुनि सुब्रत नाथ भगवान का पंच कल्याणक नहीं हुआ होगा। तो आप जो भगवान की जो पंच कल्याणक पूजा में बैठेंगे वो मुनि सुब्रत नाथ भगवान के पंच कल्याणक में पहली बार बैठेंगे,
ये पहली बार हो रहा है और ये आप पहली बार ही मुनि सुरनाथ भगवान का पंच कल्याणक देखेंगे, उनके जीवन को देखेंगे कि क्या जीवन था उनका। अगला प्रश्न माता जी ऑनलाइन के माध्यम से पंकज जैन जबलपुर का है कि जिन बिंब पर प्राण प्रतिष्ठा दिगंबर मुनियों के द्वारा ही क्यों होती है, क्या कोई आर्यिका या ब्रह्मचारी इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते? भगवान वीतरागी होते हैं। कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं, तो वीतरागी की प्रतिष्ठा वीतरागी ही कर सकता है, रागी नहीं कर सकता है, है ना। तो हाँ, ब्रह्मचारी हो या आर्यिका माता जी, भी कपड़े तो हैं ही ना, बिना कपड़े वाले को बिना कपड़े वाले ही बना सकते हैं। और जो खुद कपड़ा पहना वो कैसे दीक्षा देगा? तो पंच कल्याणक जो है वो तीन कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक आदि जो है वो मुनियों के द्वारा ही होते हैं। अगला प्रश्न अग्रसेन जैन कोठारी का है माता जी कि मान सम्मान और अपमान में क्या फर्क होता है? मान सम्मान और अपमान, ओहो, मान तो हो गया, दो तरह का मान लो कि एक तो हो गया घमंड वाला मान, एक हो गया घमंड वाला मान और एक हो गया कि भाई आपने हमारा मान रख लिया, यानी मेरी बात रख ली, मेरी लाज रख ली, मेरी इज्जत रख ली, ये तो हो गया मान। सम्मान, सम्मान सामने वाले के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना, सामने वाले का उपकार मानना, उसे शब्दों में व्यक्त करना, उसे माला पहना के व्यक्त करना, उसे ताली बजा के व्यक्त करना, उसे मुस्कुरा के व्यक्त करना। आप सामने वाले का सम्मान किसी तरह से कर सकते हैं, सबके अपना सम्मान करने का तरीका अलग है। अब जैसे छोटा बच्चा है, आपने उसके सिर पे हाथ फेर दिया, उसकी तारीफ कर दी, सम्मान हो गया। छोटे बच्चे ने आपके पैर छू लिए, सम्मान हो गया। साधु ने आपको मुस्कुरा के देख लिया, सम्मान हो गया है। और जब आपने कोई इससे भी अच्छा काम किया हो तो आपको माला पहनाई गई, तो ये भी सम्मान हो गया आपका, है ना। मान से बड़ा सम्मान हो गया, मान रख लिया, मान है, सम्मान उससे बड़ी चीज हो गई। आपने और बड़े काम किए, सम्मान के लायक काम किए, तो आपका सम्मान हो गया। और अपमान, इसे बताने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में दिन भर होता है, सब भुगत भोगी बैठे हैं, कोई किसी का मान रखने वाला नहीं है, सब सबका अपमान करने तैयार है, जहाँ मिलता मौका मिलते ही डाल देते हैं अपमान का बीज। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, संसार की बात कर रही हूँ। हाँ, आपका नहीं हुआ होगा, आप बड़े पुण्यशाली जीव हैं कि आपका अपमान नहीं हुआ होगा। बाकी तो चक्रवर्ती का भी मान खंड हो जाता है, फिर तो यहाँ छोटी मोटी किस खेत की मूली है, ये अंतर है तीनों में। माता जी, उपसम श्रेणी क्या होती है, कृपया बताइए। मोहिनी कर्म का उपशम करते हुए सातवें गुण स्थान से जब जीव ऊपर चढ़ता है तब उसे उपशम श्रेणी कहते हैं, और यह सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें तक जाते हैं। कर्म का उपशम करते हुए गए थे इसलिए वापस आते हैं, और यदि छपक श्रेणी करते हुए चढ़ेंगे तो फिर क्षय करते हुए दसवें से बारहवें में जाएंगे, ग्यारहवें में नहीं जाएंगे, और उसके बाद फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, चलिए मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोलना है आपको? छोड़ने में आशक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का, चलने में पाथ का, तत्वों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके पंच कल्याणक में आने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और पंच कल्याणक में इंद्रिंद्राणी बनने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में घूजा का और भगवान की पंच कल्याणक की पूजा का, आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का, और कहाँ से आए हैं,
छिंदवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। सीकरी, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में सीकरी का। मैयर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में कटनी के पास मैयर का। पानी में गागर का, पानी में गागर का, जाति में नागर का, और आने वालों में सागर का। नांदगांव, नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और आने वालों में नांदगांव का। आष्टा, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में आष्टा का। गंजबा सौदा, व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का, और आने वालों में गंजबा सौदा का। सहजपुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में सहजपुर का। कोथून, कोथोर, अच्छा, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में कोथोर का। पूना, पान में चूना का, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। जबलपुर, अच्छा एक बता दूं पहले, है ना, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जबलपुर का। कनेरा, रंगों में सुनहरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में कनेरा का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मांबई का। हो गए सारे, बहुत सारे बचे हैं। मुंबई, बारा, बालाघाट से आए हैं। ओहो हो, बनिया में बांट का, तौलने में बनिया में बांट का, और सोने के लिए खाट का, और आने वालों में बालाघाट का। पूछने में हाल का, खिड़की में जाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और भगवान का अभिषेक करने का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। भिलाई, दूध में मलाई का, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, और आने वालों में भिलाई का। बड़ा ही महत्व है। बकौरी, अच्छा, अंगुली में पोरी का, गन्ना की पोरी का, और सुनाने में लोरी का, और आने वालों में बकौरी का।